आज की वीडियो मेरी बहुत छोटी होने वाली है, लगभग बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होगी। सवाल छोटा होगा, जवाब भी छोटा ही चाहिए मुझे, टू द पॉइंट। और मेरा पॉइंट भी इस वीडियो का बहुत छोटा है कि राफेल पे जब रक्षा मंत्री ने उसका मतलब जब रिसीव करने गए थे, तो प्रॉपर शस्त्र पूजा जो होती है, तो उसके हिसाब से उन्होंने विधि के हिसाब से जो भी उन्होंने किए वहाँ पे ओम लिखा और कलेवा बांधा या जो भी चीज़ें की, और जैसे प्रॉपर इंडियन ट्रेडिशन में कल्चर में होता है वैसा किया। और उस पे आज की डेट में मैं घर आया, मैं डिबेट देख रहा हूँ तो डिबेट चल रही कि ओम क्यों लिख दिया, मतलब ये भी कोई मुद्दा डिस्कस करने का। तो मेरा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ओम लिखा तो अब इसके आगे क्या, इसके आगे मुझे कोई बताए, किसी को कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताए कि ओम लिखा तो ऐसा किसी का क्या बिगड़ गया, किसी का कुछ बिगड़ा है तो मुझे बताया, मैं अच्छे से कमेंट में जवाब दूंगा। और सवाल मेरा ये है कि क्या अब इन सब चीज़ों में भी करने से पहले, अपने नॉर्मल रीति रिवाज को फॉलो करने से पहले भी 10 चीज़ें सोचनी पड़ेंगी, भारत में रहते हुए ओम लिखने से पहले सोचना पड़ेगा कि हमारे सेकुलर थ्रेड का क्या होगा, कि अगला क्या सोचेगा, ये कैसी मान सकता है, ये दो कौड़ी के लोग अभी तक यहाँ से चले क्यों नहीं गए, कि चाहे हिंदू मुस्लिम मुझे नहीं पता, जिसको प्रॉब्लम हो, जिसको भी है, क्योंकि कुछ लोगों को है, तभी आज डिबेट का मुद्दा बन रहा है कि हमारे रक्षा मंत्री ने ओम क्यों लिख दिया। मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा। उस दिन नुसरत जहाँ पे डिबेट चल रही थी कि वहाँ पे दुर्गा पूजा में अजान बज गई, तो लोग कह रहे हैं सेकुलरिज्म है, तो दूसरी तरफ एक पैनलिस्ट ने कहा कि आप अपने अजान के वक्त या फिर अपने जो भी आपके रिचुअल्स होते हैं मुसलमानों में, आप उस वक्त दुर्गा पूजा या हनुमान चालीसा चला दीजिए, अगर आपको एक्सेप्टेबल हो तो वहाँ भी सेकुलरिज्म दिखाइए। तो वहाँ पर सब चुप थे, तो वहाँ नहीं दिखाना है, सिर्फ इधर दिखाना है, मतलब ताली एक हाथ से बजे तो ज़्यादा मतलब मंजूर है उन लोगों को। मुझे इस बात का जवाब चाहिए लोगों से, चाहे जो देख रहा हो, कि ओम लिखा तो क्या बिगड़ गया किसी का, और अगर ये सब भी क्या आज की डेट में भारत में ये सब भारतीय कल्चर को या ट्रेडिशन को यूज़ करने से पहले, अपनाने से पहले, प्रैक्टिस करने से पहले क्या इतना सोचना पड़ेगा क्या, आज ये स्थिति आ गई है। क्योंकि मुझे नहीं लगता ये सब सोचने की भी ज़रूरत है या डिबेट करने की भी ज़रूरत है इन सब चीज़ों में। बस अगर कोई समझ गया मैं क्या कहना चाहता हूँ तो कमेंट करके ज़रूर बताओ। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।